बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको पता है कि आजकल मेकअप क्रीम बीबी सन ब्लॉक और इसके अलावा भी गर्मियों का मौसम है तो सन ब्लॉक इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। उसकी वजह यह है कि स्किन के अंदर जो हमारे हैं विटामिन सी की कमी और इसके अलावा स्किन का सही तौर पर ख्याल ना रखना के बायस भी स्किन जो है वो गर्मियों में डल होती है। अमूमन बाज़ लोगों की स्किन जो है वो गर्मियों में चेहरा जो है वो फाक हो जाता है और सर्दियों में ठीक हो जाता है, तो इसलिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। सन ब्लॉक जो कि मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं और मुख्तलिफ कंपनियों से आता है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक आपने सन ब्लॉक बनाना हो तो वो आप बना सकते हैं जी। बना बनाया ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं जी कोकोनट मिल्क, ये तो आप ले कर फ्रिज में रख लें और थोड़ा सा चेहरे पर लगा लिया करें। समझें, सन ब्लॉक का UVA UVB और सन ब्लॉक के जितने भी बेनिफिट्स हैं प्लस मिनरल्स और वाइटामिन्स जो स्किन के लिए ज़रूरी हैं वो भी आपको मिलेंगे। वो ये एक डब्बा तो मेरा ख्याल सालों ख़त्म होने वाला नहीं है। किसी भी ब्रांड का आप मार्केट से अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं, एक तो ये। दूसरा भी है जी, अमूमन बीबी क्रीम को मेकअप क्रीम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बीबी क्रीम जो है वो सिर्फ सन ब्लॉक के तौर पे की जाती है। बाज़ बीबी क्रीम जो है उनके फार्मूले बहुत अच्छे होते हैं। उन फार्मूलों में क्या होता है जी, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करते, वो रिपेयर करती हैं, मतलब कि एजिंग इफेक्ट को ख़त्म करेगी, फेस के ऊपर मेकअप की एक कोटिंग दे देगी, उसके अलावा क्या करेगी, आपके जो डार्क स्पॉट हैं एजिंग स्पॉट जो होते हैं, जो ढलती उम्र के चेहरे पर ब्राउन ब्राउन से निशानात आते हैं, उनको कवर करेगी, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो स्किन को गज़ाइत दें। तो ये बीबी क्रीम ऑर्गेनिक बीबी क्रीम है, आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ। ये पहले यकीनन आपने नहीं देखी होगी, जो घर पे आप बना के मेकअप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। लॉजिक सिर्फ इसमें यह है कि इसमें एक मर्दा सिंह पत्थर होता है जिसको हम ये कहते हैं। ये मैंने काफ़ी सालों पहले ARY न्यूज़ पर बताया भी था और ये अप्लाई भी किया, होस्ट ने भी अप्लाई किया था इसे, तो इसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा जी, ये महंगा नहीं है लेकिन मिलता ज़रा मुश्किल से, तो अच्छी जगह से ये मिल जाता है, महंगा नहीं है इतना, मिलने में ज़रा दिक्कत होती है। तो ये पाउडर जो है गोल्डन शेप में आ जाता है, इस शेप में, ये खसूसन इसका काम है। पुराने ज़माने की औरतें इसको बेस की सूरत में इस्तेमाल किया करती थी, जैसे हम अभी फेस के लिए बेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, फेस पाउडर या बेस, तो पुराने दौर में यही इस्तेमाल किया जाता था उपटन के साथ साथ। आते हैं जी हम अपना ऑर्गेनिक बीबी सन ब्लॉक और मेकअप क्रीम, ब्यूटी क्रीम भी इसे कह सकते हैं, ठीक है जी। इसमें हमने लेना है कोकोनट मिल्क, ठीक है, ये क्रीमी शक्ल में होता है, ठीक है, ये हमने ले लिया 20 ग्राम, ठीक है। एक तो मैंने आपको अकेले तन्हाई बता दिया ना, अब ये पूरा कम्बिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जी, हमने इसमें डालना है लीमू का सत्त। लीमू का सत्त में क्या होता है, विटामिन सी होता है भरपूर तरह का। अच्छा, इसमें ये हमने विटामिन सी जो है लीमू का जो सत्त है वो 1 से 2 पिंच हमने इसमें शामिल करनी है। जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा, वो 1 पिंच डालें, क्योंकि ये जो पिगमेंटेशन होती है चेहरे की, जो छाइयाँ होती हैं उनको भी ये साफ करता है, ठीक है जी। फिर है हमने इसमें डालना है कमीला पाउडर, ये है जी कमीला, ठीक है, ये हमने डाला इसमें 1/2 चम्मच, ठीक है। और इसके साथ हम डालेंगे संदल सुर्ख का पाउडर। संदल दो तरह का होता है, सफ़ेद भी होता है, सुर्ख भी होता है। सुर्ख शामिल करने का मकसद ये होता है कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा बीबी क्रीम नुमा, ग्लोइंग नुमा जो है वो आ जाए, तो ये हमने डाला इसमें 1 चम्मच। अब हमने ले ली फेयरनेस क्रीम। फेयरनेस क्रीम में आप तिब्बत सिलू भी ले सकते हैं, फेयर एंड लवली भी ले सकते हैं, और कोई भी फेयरनेस क्रीम ले सकते हैं। इनके नाम मैं ऐसे बता रहा हूँ, तिब्बत सिलू ऐसी क्रीम है जो आपको गांव देहात में भी आसानी से मिल जाती है ना, तो आपने ये तो मेरी अपनी तैयार की हुई है, आप अपने हाथ से ये इस तरह की क्रीम, फेयरनेस जो भी क्रीम होती है वो ऑयल फ्री होती है, ये हमने डालनी है जी इसमें 30 ग्राम, ठीक है जी। अब हमने इसमें जो मेन चीज़ है, जो मेन जूज़ है इसका, वो है जी ये वाला मर्दा सिंह का पाउडर, ठीक है, ये हमने इसमें डालना है 1/2 टीस्पून, ठीक है जी। अच्छा जी, अब करना क्या है, हमने इनको करना है मिक्स।
अब जब आप इन चीज़ों को मिक्स करना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से, तो क्या होगा जी, ये बीबी क्रीम की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देगा। देखिए, ठीक है, अब देखें जी, इसमें विटामिन सी भी आ गया, ठीक है, कोकोनट के वो तमाम बेनिफिट्स जो हैं वो आ चुके हैं, आपकी स्किन के ऊपर जो डार्क एजिंग स्पॉट आते हैं, तिलनुमा और ब्राउन किस्म के जो निशान आपकी आइज़ के नीचे आना शुरू होते हैं वो भी ठीक होंगे। प्लस ये कि इसके लगाने से ये तमाम चीज़ें फौरी तौर पे छुप भी जाती हैं और ये एक मेकअप का काम भी करती है जी। अब तजर्बा कर लेते हैं हम। ये मैंने ली क्रीम और ये देखें, ये मैंने लगाई, ठीक है जी, फ़र्क देख लें आप दोनों हाथों में, है ना, नज़र आ रहा है ना फ़र्क। ये आपकी स्किन को बेनिफिट भी देगी और उसके साथ साथ भरपूर वाइटनिंग भी देगी और ये हर वेदर में इस्तेमाल की जा सकती है। और हमारे हाथ से मंगवाना चाहेंगे तो आपको इस जार में मिलेगी और आप ख़ुद से अगर घर पे बनाएंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, मेरे जहन में रहेगी, जिन बच्चियों को या बच्चों को पिंपल्स होते हैं वो एक पिंच के बराबर इसमें सत पुदीना डालेंगे। ये तो लीमू का सत है, उसमें सत पुदीना डालेंगे, सत पुदीना आम मिल जाता है, तो उससे एक कूलिंग का एहसास फेस के ऊपर रहेगा और वो जो नुकीले किस्म के दाने होते हैं वो भी बैठ जाएंगे। ठीक है जी, ये है जी हमारी बीबियों के लिए बीबी क्रीम, ऑर्गेनिक बीबी क्रीम, है ना, और बीबियाँ भी लगाएं ऑर्गेनिक क्रीम और बहनें भी लगाएं हमारी ऑर्गेनिक बीबी क्रीम। हमें दुआओं में याद रखिएगा जी। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।